इस धरती पर इंसान ने जो कुछ भी बनाया है वो मूल रूप से पहले हमारे मन में बना था। वो सब जो आप देखते हैं, जो इस धरती पर इंसान ने किया है, पहले वो मन में बना था, फिर वो बाहरी दुनिया में बना। इस धरती पर जो अद्भुत चीजें हमने की हैं और इस धरती पर जो भयानक काम हमने किए हैं, वे दोनों ही इंसान के मन से आए हैं। तो अगर हमें चिंता है कि संसार में हम क्या बना रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले हम अपने मन में सही चीजें बनाना सीखें। कि हम अपने मन को कैसे रखते हैं, अगर हम अपने मन को अपने तरीके से रखने की शक्ति नहीं रखते तो दुनिया में हम जो बनाते हैं वो भी बहुत संयोग से और उल्टा सीधा होगा। तो अपने मन को अपने तरीके से बनाना ही दुनिया को अपने तरीके से बनाने का आधार है। योग विद्या में एक अद्भुत कहानी है। एक दिन एक आदमी टहलने निकला, वो लंबी सैर के लिए गया। संयोग से अनजाने में वो स्वर्ग में चला गया। सौभाग्य है ना, वो बस टहलते हुए स्वर्ग जा पहुंचा। इस लंबी सैर के बाद वो थोड़ा थक गया था, इसलिए उसने सोचा, अरे मैं थक गया हूं, काश मैं कहीं आराम कर सकता। उसने चारों ओर देखा, वहां एक अच्छा पेड़ था जिसके नीचे बहुत ही गद्देदार घास थी। वो सब इतना अच्छा था कि वो गया और वहीं लेटकर सो गया। कुछ घंटों के बाद वो जागा। अच्छी तरह से आराम मिल चुका था तो उसने सोचा, अरे आराम तो मिल गया पर मैं भूखा हूं, काश मेरे पास खाने के लिए कुछ होता। और उसने उन सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचा जिन्हें वो अपने जीवन में खाना चाहता था, और तुरंत ही वे सारी चीजें उसके सामने आ गईं। आपको यह समझने की जरूरत है कि वहां की सेवा ही ऐसी है। भूखे लोग सवाल नहीं पूछते, खाना आया और उसने खाया, पेट भर गया। फिर उसने सोचा, अरे मेरा पेट भर गया है, काश मेरे पास पीने के लिए कुछ होता। सभी अच्छी चीजें जो वो पीना चाहता था, उसने उनके बारे में सोचा और वे सभी उसके सामने आ गईं। पीने वाले भी सवाल नहीं पूछते तो उसने पी लिया। अब थोड़ी शराब अंदर जाने के बाद, आपको पता है चार्ल्स डार्विन ने कहा था, आप सब बंदर थे, आपकी पूंछ गिर गई। मैंने नहीं, चार्ल्स डार्विन ने बताया कि आप सभी बंदर थे और आपकी पूंछ गिर गई और फिर आप इंसान बन गए। हाँ, पूंछ जरूर गिर गई, लेकिन बंदर जो मन स्थापित नहीं होता उसे योग विज्ञान में हमेशा मरकट कहते हैं, क्योंकि मरकट का मतलब बंदर होता है। हम मन को एक बंदर क्यों कह रहे हैं? एक बंदर में क्या गुण होते हैं? बंदर के बारे में एक बात यह है कि वो बेवजह हिलता डुलता रहता है। तो ये बंदर उसके अंदर सक्रिय हो गया। उसने इधर उधर देखा और सोचा, ये क्या हो रहा है? मैंने खाना मांगा, खाना आया, मैंने पीने के लिए मांगा, शराब आई। यहां चारों ओर भूत होंगे और भूत आ गए। अरे भूत आ गए, वे मुझे घेरेंगे और मुझे यातना देंगे, उसने सोचा। तुरंत भूतों ने उसे घेर लिया और उसे मारने पीटने लगे। फिर वो दर्द से चीखने लगा और बोला, अरे वे मुझे मार देंगे, और वो मर गया। अभी उसने कहा था कि वो भाग्यशाली है। समस्या यह है कि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। उसने खाना मांगा, खाना आ गया, उसने पीने के लिए कहा, शराब आई, उसने भूतों की बात की, भूत आए, उसने पिटाई मांगी, पिटाई मिली, और उसने मौत मांगी, वो मर गया। अब जंगल में इन कल्प वृक्षों की तलाश में मत जाना। इन दिनों मुश्किल से एक पेड़ दिखता है। एक अच्छे से स्थापित मन, एक मन जो संयुक्ति की स्थिति में होता है, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। अगर आप अपने मन को संगठन के एक निश्चित स्तर तक व्यवस्थित करते हैं तो यह पूरी प्रणाली को व्यवस्थित करता है। आपका शरीर, आपकी भावना, आपकी ऊर्जा, सब कुछ उसी दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। जब आपके ये चारों आयाम, आपका भौतिक शरीर,
आपका मन, आपकी भावना और मौलिक जीवन ऊर्जाएं एक दिशा में व्यवस्थित हो जाती हैं। जब आप ऐसे हो जाते हैं तो आप जो भी चाहते हैं वो वाकई छोटी उंगली उठाए बिना होता है। आपके काम करने से उसमें मदद मिलेगी, लेकिन कोई काम किए बिना भी आप वो बना सकते हैं जो आप चाहते हैं, अगर आप इन चार आयामों को एक दिशा में रखते हैं और कुछ समय तक उन्हें उसी दिशा में स्थिर रखते हैं। अभी आपके मन की समस्या है कि हर पल ये अपनी दिशा बदल रहा है। ये ऐसा है जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं और हर दो कदमों पर आप अपनी दिशा बदलते रहते हैं, तो आपका मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है जब तक कि यह संयोग से न हो। तो अपने मन को व्यवस्थित करना और उससे पूरे सिस्टम को और अपने इन चार बुनियादी आयामों को एक दिशा में व्यवस्थित करना, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद कल्पवृक्ष हैं।